हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमारी 10th क्लास के लिए और 11th 12th सभी के लिए आईयूपीएससी सीरीज चल रही थी। आईयूपीएससी की सीरीज में मैंने आपको 7 ग्रुप करा दिए थे और आज का जो ग्रुप है वो आज ग्रुप नंबर 8 की बारी है। तो आज ग्रुप नंबर 8 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं स्टार्ट। ग्रुप नंबर 8 जो है हमारा वो है हमारा ये ग्रुप नंबर यहाँ लिखे था आप ग्रुप नंबर 8 जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारा क्या है ग्रुप नंबर 8 है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, ऐसे भी जानते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब बात करी हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा COOH, ये आपको दिखाई देगा, ये क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, या अगर मेरे बच्चे इसको ऐसे भी कर सकता है COOH ऐसे भी, अब इसको नीचे भी ला सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ये सब क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही है। अब बात करते हैं इसका जो रूल्स है हमारे, रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। रूल्स में इसका जो हमारा सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र जो होगा इसका वो हमारा वो होगा यहाँ पर, या तो आप CnH2 निकले या डायरेक्ट आप RCOOH, ये होता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात रूल नंबर फर्स्ट की बात होगी। सेकंड यानी अब यहाँ पर सेकंड में हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे हम वहां पर ई के स्थान पर ओ एल जोड़ा, ए एल जोड़ा, ओ एन ई जोड़ा। ठीक है, और अभी ऐसे क्या करना है, ई के स्थान पर क्या करना है यहाँ पर ओ आई सी और एसिड जोड़ देना है। हमें क्या करना है यानी कि ई के स्थान पर, ओ आई सी एसिड जोड़ देते हैं, कि अंक कहां से देंगे, नंबर कहां से देंगे। ठीक है, तो नंबर की बात ये है कि जिधर भी हमारा COOH ग्रुप पास होगा हम नंबर उधर से ही कर देते हैं। और बात यहाँ पर कार्बनिक कार्बन हमें इस ग्रुप में भी नजर आ रहा है, तो इस ग्रुप के कार्बन पे भी हम नंबर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं बात कैसे। देखो हमने कहा कि यहाँ पर जिधर आपका CO ग्रुप जो होगा पास होगा अंक हम वहीं से देंगे, नंबर वहीं से देना स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है, नहीं अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के लिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है HCOOH। 10th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 10th क्लास के बच्चे हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए। ठीक है, तो बच्चे यहां पर हमें सिर्फ एक ही कार्बन नजर आ रहा है। ठीक है, नहीं अब एक कार्बन पे हमारा क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन। और मीथेन में जो हमारा ई आता है उसके सामने में क्या जोड़ता, ओ आई सी, ओ आई सी और बाद में एसिड जोड़ देता। अब इसका नाम क्या हुआ यहाँ पर, मैथेनोइक एसिड हो गया। वैसे जनरल नेम क्या होता है बच्चे इसका, वो होता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है बच्चे, ये तो था हमारा यानी कि फॉर्मिक एसिड, ये तो हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। और आईयूपीएससी नाम से यदि मैं देखूं तो यहाँ पर क्या आएगा, मैथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक बात समझाई। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, ये तो अपना में इम्पोर्टेंट ही था, सेकंड जो एग्जाम्पल है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए, 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। CH3COOH या वो उसको ऐसे भी दे सकता है CH3COOH ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, अब नंबर आप यहां से करें, देखो कि ग्रुप का यही है हमारा, तो नंबर इधर से होगा 1 2 1 2, दो कार्बन है, दो पे क्या आएगा हमारा
इथेन, क्या आ गया आपको ना इथेन, और जो इथेन में जो ई था हमने भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, तो क्या है यहाँ पर ई के स्थान पर मैं क्या लेके आना है, ओ आई सी लेके आना है, ओ आई सी, तो एथेनोइक और आगे जोड़ देना है एसिड, तो इसका क्या नाम हो गया एथेनोइक एसिड। अब बच्चे जानते हैं इसका जनरल नेम भी क्या होता है, जनरल नेम होता है हमारा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। साथ में ये चीज भी जान लेते हैं, देखो फॉर्मिक एसिड जो है जितनी हमारी मतलब चींटियां होती है और जिसको हम ततैया बोलते हैं उसके डंक में ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जो हमारा एसिटिक एसिड है, ये जो एसिटिक एसिड है हमारा, ये हमें विनेगर के अंदर पाया जाता है, सिरके के अंदर मिलता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, थर्ड हमारा है CH3CH2COH, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, आराम से कर सकते हो, देखो ये 1 2 3 कितने कार्बन, 3, 3 पे क्या आएगा हमारा प्रोपेन, क्या आएगा प्रोपेन, और बाद में क्या जोड़ देना है ओ आई सी एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो बिल्कुल इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसके बाद जब साइड चेन मिल जाती है उसके लिए भी एग्जाम्पल हमारे पास बन जाता है यहाँ पर 4 CH3 CH3 CH2 COOH। अब हमें इसका यूपीएससी नाम लिखना है, तो जिधर सी डब्ल्यू एच समूह हमारा पास होता है उधर से हम देते हैं, तो 1 2 3 एंड 4, तो कार्बन की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 4, 4 के लिए क्या होगा यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन आएगा और क्या जोड़ देना है ओ आई सी एसिड, तो बहुत ही इजी है और बिल्कुल आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो एग्जांपल नंबर हमारा 4 था, इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 अभी हम पढ़ते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और सही बच्चे साथ साथ इसका नोट बनाते चले, नोट्स जरूर बना लें क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको काम आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वहां वो है CH3 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 CH3, अच्छा यहाँ पर CH2 COOH, ठीक है। तो स्टैंड से नंबर कहां से करना, जिधर सी ओ समूह होगा आपका COOH, तो यहां से है 1 2 3 4 एंड 5, 4 पे है और 3 पे है, कौन है मिथाइल है ना, हाँ। तो यहां पर हमें करना क्या है, उनका कार्बन का नंबर लिखना है, नहीं 3 4, दो बार आया, दो बार के लिए लिखते हैं हम डाई, कौन है मिथाइल, मिथाइल, यानी देखो तीसरे और चौथे कार्बन पर है कौन, दोनों यानी कि मिथाइल, यानी दोनों के लिए हम लिखते हैं दो मिथाइल, नहीं इन दोनों कार्बन में कौन है, दो मिथाइल है हमारे, ठीक है। अब कितने कार्बन है यहाँ पर, 5, 5 के लिए हम लिखते हैं पेंटेन, पेंटेन में ई के स्थान पे क्या जोड़ना है ओ आई सी और एसिड जोड़ देना है, नेम इसका नाम होगा 3 4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में करना क्या है, नंबर यहां से होगा हमारा 1 2 3 4। अब यहाँ के कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं नंबर डायरेक्ट यहाँ पर 5 दे देते हैं, लेकिन भाई मैंने शुरू में आपको बताया भी था कि आईपीएससी का यूनिवर्सल नियम है कि आपको सबसे पहले लंबी चेन बनानी है, लंबी चेन कहाँ बनेगी, वो लंबी चेन इधर नहीं बनेगी, वो लंबी चेन यहाँ पर बनेगी 5 एंड 6, तो 4 पे कौन आया हमारा मिथाइल, तो 4 मिथाइल, कितने कार्बन बचे यहाँ पर 6, तो 6 पे गया हेक्सेन और बाद में जोड़ना ओ आई सी हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, इसीलिए कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया कि भाई आपको सबसे पहला ये बात ध्यान रखनी है, हर ग्रुप्स के साथ जितने भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं ना उनके साथ आपको क्या याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन बननी है सभी के अंदर, ठीक है नहीं, तो ये गलती मैक्सिमम कर देते हैं बच्चे,
अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल आपका है, ये तो सिक्स था, यहाँ पर आता है सेवन, सी एस थ्री, सी एस टू, सी एच, सी एस टू, सी एस थ्री, सी एस टू, सी एस टू, सी ओ ओ एच। अंक हमें इधर से देना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव सिक्स। अब देखो सिक्स भी इधर को, इधर को भी सिक्स है, तो नंबर आप इधर को भी दे सकते हो इसमें, तो यहाँ पर फाइव और सिक्स। अब ये क्या होगा हमारा, इसका नाम क्या है, इथाइल है, फोर इथाइल। कितने कार्बन यहाँ पर, छह, छह पे क्या आएगा हमारा, हेक्सेन ओ आई सी एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कि फोर इथाइल हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट लेके चलेंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। चेंज ये होगा हमने आगे सी, सिंपल सी बात यहाँ पे दे दिया, सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है टेंथ स्टैंडर्ड के लिए। जितने भी टेंथ क्लास के बच्चे हैं, ऐसे एग्जाम्पल को मैं जो इम्पोर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ, उनको जरूर याद करते चले जाए, ठीक है, क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वन टू, पहले पे भी है और दूसरे पे भी है, वन टू डाई क्या हो गया हमारा, कितने कार्बन, दो, तो दो पे क्या आएगा हमारा एथेन, क्या जोड़ना ओ आई सी, और क्या जोड़ देगा एसिड, ठीक है। ये नहीं देखना कि ग्रुप है, कार्बन तो है ना भाई, तो कार्बन यहाँ पर जब है तो क्या होगा, वन और टू यदि पहले दूसरे दोनों पे है तो डाई एथेनोइक एसिड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ऐसी में बात यहाँ पर ये बात कर लू की सी एस टू सी ओ ओ एच और सी एस टू COOH। तो अगर यहाँ पर नंबर की बात करें तो देखो इधर से भी कर सकते हैं आप, उधर से भी कर सकते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो यहाँ पर सिक्स हो गए, लेकिन वन और सिक्स पे क्या है हमारा, सी डब्लू एच समूह है, तो यहाँ पर वन सिक्स डाई, कितने कार्बन यहाँ पर, छह, छह पे क्या होता है हेक्सेन, और क्या जोड़ना है ओ आई सी, हेक्सेनोइक एसिड, ये ऐसा क्या हो जाता है, आईयूपीएसी नाम आता है। तो ये तो जब हमारे पास ग्रुप दो होंगे तब तक हमें ऐसा काम करना है। और मैं एग्जांपल लेता हूँ नेक्स्ट, अभी हमारे कितने हो गए यहाँ पर, आठ, एट तो ये था, नाइन ये हमारा है, ठीक है, एग्जांपल काफी हो गया, वैसे और भी लेंगे। करते हैं बात नेक्स्ट की, एग्जाम्पल नंबर टेन की, टेन में ये है कंडीशन, ये बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन है वन पे और फोर पे डाई, दो बार क्या जा रहा है, कितने कार्बन है, चार, चार पे है ब्यूटेन, क्या जोड़ना ओ आई सी, ब्यूटेनोइक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अलेवन देखेंगे, यहाँ पर अलेवन क्या है, अलेवन का नाम है सी एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू, सॉरी यहाँ सी एस है आपका, सी टू एच फाइव, सी एस टू सी ओ ओ एच, एग्जाम्पल ये है हमारा। अब इधर से नंबर होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, अब फोर पे मिथाइल हमारा और थ्री पे क्या है हमारा इथाइल, तो मैं जब भी ये कंडीशन क्रिएट होती है तो मैं जो अल्फाबेट पे कोडिंग यहाँ पर देखते हैं, यानी जो पहले देखो ई पहला था एम से, तो ई वाले को पहले लिखेंगे, वैसे नंबर भी उसी का बैठ रहा है, लेकिन आगे पीछे भी हो जाए तब भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अल्फाबेट के कोडिंग हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, साइड साइड का नाम लिखते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या, यानी कि अभी आपने यहाँ देखा यहाँ पर इथाइल, यदि इथाइल यहाँ पर होता तो फोर इथाइल को पहले लिखता और थ्री पे मिथाइल था तो मिथाइल को मैं बाद में लिखता, ठीक है, क्योंकि ई पहले आता है एम से, ठीक है, तो थ्री इथाइल, थ्री इथाइल, फोर मिथाइल, कितने कार्बन है, छह, छह पे क्या आएगा हेक्सेन, ई के स्थान पे क्या आएगा ओ आई सी, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो थी बात आपके सिंपल एग्जांपल्स की, यानी कि जब हम वहां पर आपके दो, जहां तक सी डब्ल्यू एस समूह आपके दो है, लेकिन जब ये तीन हो जाए तो तब क्या करना है वो लिख लेते हैं यहां पर।
तो स्टूडेंट्स करना क्या है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, आप ये नोट लिखना अपनी नोटबुक के अंदर, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में COOH समूह दो से अधिक बार आ जाए तो COOH समूह के कार्बन परमाणु पर अंक नहीं देते हैं और नामकरण के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, यानी आप ये ध्यान रखें, यदि जब सी डब्ल्यू एच समूह क्या है कि किसी कार्बन श्रृंखला में दो बार आ जाता है तो वहां तो हम अंक देंगे, यानी दो से अधिक बार देंगे उस कार्बन परमाणु पर अंक नहीं देने के, साथ ही हम क्या करेंगे उसके नामकरण के बाद में क्या जोड़ेंगे, वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हैं। तो बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यहां पर एग्जाम्पल आया हमारा CH2COH, ये ठीक है ना। तो यहां पर करना क्या, देखो यहां पे हमें दिया है कि तीन COOH समूह मैंने चला लिया यहां पर, इसका मतलब तो ये सिद्ध हो गया इस नोट के अकॉर्डिंग कि यहां पर इन पे अंक नहीं देना, अंक हमें कहा देना यहां पर 1, 2, 3। तो यहां कितने कार्बन, तीन पे लिखेंगे प्रोपेन, लिखेंगे यहां पर प्रोपेन, यानी अब देखो कहां कहां है, 1 पे 2, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे हमें करना है कि जब भी आपके जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि आपका जो सी डब्ल्यू एच समूह है वो क्या हो जाए, आपके दो बार से अधिक आए, तो हमें क्या करना होगा, वहां पर उस कार्बन परमाणु पर अंक नहीं देना, नहीं सी एच ओ समूह के जो कार्बन परमाणु होता है उसका नंबर हम नहीं देते, और उसके नामकरण के बाद हम क्या कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देते हैं। ये तो एक एग्जांपल की बात थी, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, तो यहां जब ओ सॉरी ये एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ एक सी डब्ल्यू एस समूह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें क्या करना है, इन पर नंबर नहीं देना है, तो ये नंबर कहाँ से देखें, यहाँ से देखो 1, 2, 3 ठीक है, नहीं तो 1 पे भी 2 पे भी 3 पे तीनों पे ही है, तो यहाँ ये सेम एग्जाम्पल पहले वाला ही बन गया, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, चेंज करेंगे यहाँ पर, अभी ये चल के जाना ठीक है नहीं। तो अब देखो यहां पर भी है आपका, तो नंबर 1, 2, 3, 4 तो कहां पे, 1 पे 2 पे और 4 पे है, तो 1 पे हो गया 2 पे हो गया और 4 पे हो गया, तो 1 देखो यहां पर कितने कार्बन है, 4 लिखेंगे ब्यूटेन 1, 2, 3 ठीक है, नहीं हुआ 3 पे नहीं 4 पे है, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक
थर्मोग्रिलिक एसिड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो था वो ग्रुप नंबर 8 था। यदि आपको अच्छे समझ में आया, वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे के जो आपके ग्रुप है वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, बने रहे सीरीज के साथ। ठीक है, नहीं 11, 12 और आपके 10th सभी के लिए क्या ये वीडियो जो है बड़ी यूजफुल होने वाली है। और 10th स्टैंडर्ड के लिए बच्चों के लिए मैं अभी बोल देता हूँ कि हमारे आपको पढ़ने 8 ग्रुप ही है यहाँ तक मैंने आपको जो करा है। इसके बाद मैं एक वीडियो और शेयर करूंगा आपके बीच में, आज या कल 2 दिन के बीच में वो आपको मिल जाएगी। तो उस वीडियो में सिर्फ मैं वही एग्जाम्पल लूंगा जो आपके एग्जाम में आई हुई है, तो आप उन एग्जाम्पल्स को जरूर नोट कर लेंगे और साथ साथ मतलब उनके एक नोट्स अलग से रख लेंगे, और एग्जाम जब आपका आएगा उस टाइम पर आप उसको पढ़ लें तो आपको डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूँ उससे बाहर बिल्कुल भी आपका एग्जाम्पल नहीं आएगा। धन्यवाद।